बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमने अपनी पुस्तक स्वर ज्ञान का कुछ भाग पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे उसका अगला भाग। तो अपनी पुस्तक का पेज नंबर 13 खोलिए। छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। अब हमें पहले हमने छोटा बड़ा की मात्रा वाले शब्द पढ़े थे, अब हम छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। कैसे लिखते हैं? छोटी ई की मात्रा रही है और यहाँ पर माँ लिखा है, तो माँ पे छोटी ई की मात्रा लगेगी। ल मिल, इसी तरह से पढ़ेंगे। च च पे छोटी ई की मात्रा। त्र चित्र। त पे छोटी ई की मात्रा। ल तिल। म मा पे छोटी ई की मात्रा। त्र मित्र। आगे देखते हैं छोटी ई की मात्रा का प्रयोग। अब हम यहां सीखेंगे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग कैसे होता है। यहां लिखा है क, क में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो कैसे बनेगा क, और छोटी की मात्रा कैसे लगती है इस तरह से, और बन जाएगा की। इसी तरह आगे देखेंगे ख, ख में छोटी की मात्रा लगी है तो यहाँ पर क्या बना खी। इसी तरह से मा, मा में छोटी की मात्रा मी। ल, ल में छोटी की मात्रा ली। अब आगे हम इसी तरह से शब्द पढ़ेंगे। स, स में छोटी की मात्रा। त बड़ा की मात्रा। र सितार। च, च में छोटी की मात्रा। अड़ा, अड़ा में छोटी की मात्रा। य बड़ा की मात्रा। चिड़िया। अगला पेज देखेंगे। प, ह, ह में छोटी की मात्रा। य बड़ा की मात्रा। पहिया। क, क में छोटी की मात्रा। स बड़ा की मात्रा। न किसान। आगे देखेंगे क, क में छोटी की मात्रा। ल बड़ा की मात्रा। किला। स, स में छोटी की मात्रा। र सिर। आगे अब यहाँ पर दिया गया है स्वयं लिखने की को स्वयं लिखने का प्रयास करें। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन्हें यहाँ पर स्वयं लिखने का प्रयास करना है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले क्या क्या दिया गया है। स, स में छोटी की मात्रा। र सिर। र व, व में छोटी की मात्रा। रवि। च, च में छोटी की मात्रा। त्र चित्र। श, फिर से श दिया है, श में छोटी की मात्रा। शशि। क, क में छोटी की मात्रा। ल बड़ा की मात्रा। किला। अब ये यहाँ पर आपको इसे पढ़ना है और नीचे जो भी खाली स्थान दिया है आपको पूरा करना है। आगे देखते हैं नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और याद करिए। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके साथ में मात्रा प्रयोग की गई है, इन्हें पढ़ते हैं और याद भी करेंगे साथ साथ। क, क में छोटी की मात्रा की। ख, ख में छोटी की मात्रा खी। ग, छोटी की मात्रा घी। घ, छोटी की मात्रा घी। र, छोटी की मात्रा रि। छ, छ में छोटी की मात्रा छी। तो इसी तरह से आपको ये सारे पढ़ने हैं और की पढ़ने की कोशिश करनी है और याद भी करना है। अगला देखेंगे, आगे लिखा है अक्षरों के मेल से बने वाक्य। अब यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और अब हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। द, द में छोटी की मात्रा। न,
दिन, न छोटी की मात्रा, त ल निकल, बड़ा आ य यानी बड़ा बड़ा की मात्रा आया, फ छोटी की मात्रा, र फिर, श न न में छोटी की मात्रा, व बड़ा की मात्रा, र शनिवार, बड़ा आ य और बड़ा आ की मात्रा आया। इसी तरह से आपको ये पढ़ने की कोशिश करनी है और नीचे भी यही दिया गया है, आपको खुद ही पढ़ना है और पढ़ने की कोशिश करनी है। आगे अगला पेज देखते हैं, अभ्यास कार्य। दिए गए संकेतों की सहायता से चित्र के नाम लिखिए। अब यहाँ पर एक संकेत दिया गया है ग, और हमें ये पहचानना है क्या है ये गिलास। तो हम गिलास लिखना सीखेंगे। ग, ग में छोटी की मात्रा लगाएंगे, ल, ल में बड़ा की मात्रा, और स, गिलास। ये क्या दिया है, सितार। तो स दिया है, स में छोटी की मात्रा लगाएंगे, त बड़ा की मात्रा, र सितार। ये क्या दिया है, नारियल। तो ना, ना में बड़ा की मात्रा, र, र में छोटी की मात्रा, य, ल, नारियल। आगे देखेंगे, चित्र पहचान कर सही शब्द के आगे सही का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे ये किसान है, ये सितार है और ये किला है। तो आपको यहाँ पर देखना, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं और इन्हें देखना है कि कहाँ किसान लिखा है और किसान के आगे हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो आइए पढ़ते हैं। ह, ह में छोटी की मात्रा, स बड़ा की मात्रा, ब हिसाब। तो यहाँ टिक नहीं लगाना है हमें। आगे देखते हैं, न, न में छोटी की मात्रा, श बड़ा की मात्रा, न निशान। यहाँ भी नहीं लगाना है। यहाँ देखते हैं, क, क में छोटी की मात्रा, स बड़ा की मात्रा, न किसान। यही हमारा सही आंसर है, तो हम इस पर टिक लगाएंगे। अब इसी तरीके से ये सितार है, तो आपको पढ़ने की कोशिश करनी है कि सितार कहाँ लिखा है, फिर आपको सही का चिन्ह लगाना है। अगला देखते हैं, सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। यहाँ पर एक वाक्य दिया है जिसमें एक शब्द नहीं दिया है, जिसके ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। हमें यह वाक्य पढ़ना है और इसके लिए जो सही शब्द होगा हमें यहाँ पर लिखना है। लिखा है, म, ह छोटी की मात्रा, म बड़ा की मात्रा, महिमा, फिर डैश दिया है, ब, ज बड़ा की मात्रा, तो बजा, महिमा डैश बजा, महिमा। यहाँ लिखा है गिटार और गिलास। महिमा क्या हो जाएगी, गिटार या गिलास, गिटार हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ गिटार लिखेंगे। इसी तरह से रवि डैश पर तकिया लगा। यहाँ ऑप्शन दिया गया है, बगिया खटिया, तो तकिया कहाँ लगती है, खटिया पर, तो हम यहाँ पर खटिया लिखेंगे। वनिता डैश पर पत्रिका किताब, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वनिता किताब पर। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है, वर्णों के साथ छोटी पी की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। अब यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं और खाली स्थान दिया गया है, उन पर क्या करना है, छोटी की मात्रा लगानी है और उनको जोड़कर शब्द बनाना है। तो ह, ह पे छोटी की मात्रा, र, रंग, हिरण। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, हिरण। र, फिर खाली स्थान दिया है, व, तो यहाँ पर छोटी की मात्रा लगाएंगे, क्या बनेगा, रवि। तो आप यहाँ पर रवि लिखेंगे। इसी तरह से जितने भी खाली स्थान दिए गए हैं आपको यहाँ पर छोटी की मात्रा लगानी है और उनको जोड़कर शब्द बनाना है। अगला प्रश्न है, बाई ओर लिखे शब्द को दाई ओर के वाक्य में पहचान कर गोला बनाएंगे।
यहाँ पर दाई ओर यानी इस तरफ में शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ अलग शब्द दिए गए हैं। इसमें जो यहाँ पर शब्द लिखा है उस इस शब्द को यहाँ शब्दों में ढूंढना है और उस पर गोला लगाना है। जैसे लिखा है न, न पे छोटी की मात्रा, श बड़ा की मात्रा, न निशान। अब निशान कहाँ लिखा है, ये लिखा, तो आपको यहाँ पर गोला लगाना है। इसी तरह से आपको ये शब्द पढ़ने हैं और यहाँ पर पहचानना है, उन पर गोला लगाना है। अगला देखेंगे, सुलेख लिखो। यहाँ पर जो भी शब्द लिखे गए हैं इनको आपको पढ़ना है और साथ साथ इनको यहाँ पर खाली स्थान में लिखना है। तो बच्चों जो भी मैंने आपको पढ़ाया ये सारा होमवर्क आपको करना है और इसकी पिक्चर्स क्लिक करके आपको ग्रुप में सेंड करनी है। और इसी साथ ही आपकी किताब गीत माला की कविता दादी अम्मा आपको सेंड कर दी जाएगी, आपको याद करनी है और इसकी वीडियो बना करके ग्रुप में सेंड करनी है। बाय बाय।